Good morning, everyone. Welcome to Unacademy platform. Good morning, very good morning, Ketan. All right, so welcome to Unacademy platform and आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. आप एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड क्लासेस को. और इवन क्या होता है इसमें डेली लाइव क्लासेस तो आपको मिलती ही हैं. और अगर आप चाहते हो कि आपको लाइव क्लासेस में नहीं आना है या फिर आपको रिकॉर्डेड अगर क्लासेस देखनी है तो क्या होता है इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं. आप लाइव क्लासेस भी क्या है आप इनको अटेंड कर सकते हो. दूसरा क्या होता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो हैं आप उसके अंदर आपको ब्लूप्रिंट जब मिलेगा तब आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी क्लास कब हो रही है. कब हो रही है टाइम टेबल मिल जाएगा बेसिकली आपको. और एक तरह से क्या होता है ब्लूप्रिंट मिल जाएगा आपको हर एक कोर्सेज का. और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिल जाएंगी. तो लाइव क्लासेज एंड रिकॉर्डेड क्लासेज अनलिमिटेड भी अवेलेबल हैं आपको. अनलिमिटेड हैं यहाँ पे उनको एक्सेस कर सकते हो. आप पढ़ाई करोगे अपनी उसके बाद में आप चीज़ों को देखोगे फिर आप चाहोगे कि आपका जो जो आपने नॉलेज जो ली है आप उसको टेस्ट करना चाहोगे तो क्या है टेस्ट भी है. लाइव टेस्ट भी है रिकॉर्डेड टेस्ट भी है क्विजेज भी होंगे जहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या है मेजर कर पाओगे. और ये परफॉर्मेंस को मेजर करना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है वो इन टेस्ट से पता चलेगा. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको लाइव क्लासेस अनलिमिटेडली अवेलेबल होंगे और लाइव टेस्ट आपको अनलिमिटेडली अवेलेबल होंगे. प्रोग्रेस को आप मेजर कर पाओगे. प्रॉब्लम जब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि जहाँ पे आप मटेरियल को एक्सेस तो कर पाते हो लेकिन क्या उस मटेरियल के रिगार्डिंग आपको टेस्ट वगैरह नहीं मिल पाते. तो यहाँ पे क्या आपको टेस्ट मिल जाएंगे. और इसके अंदर जितने टेस्ट अगर आप करोगे ना जितने टेस्ट जितने भी होंगे आपसे वो इम्पोर्टेंट होगा. तो आप अनअकैडमी अगर जो ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर पे जाके. उसके बाद में देखो दूसरी दूसरा फैक्ट ये है ये जो PDF जो है आपको सारी अवेलेबल हो जाएंगी इस लिंक के ऊपर. और देखो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं आपकी और आज भी स्पेशल क्लास हुई है 9 AM डेली होगी स्पेशल क्लासेस. और हम NCERT जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है वो चैप्टर हम कर रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन NCERT 11 जो है हम उसको डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं. हर एक कंसेप्ट को जो है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे. और इसको भी स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करना है तो आपको कोड क्या यूज़ करना पड़ेगा ANU101 जो कोड है आपको यूज़ करना पड़ेगा. इससे आप मेरी क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हो. दूसरी जो दूसरे टीचर्स हैं उनकी क्लासेस स्पेशल क्लासेस को भी एक्सेस कर पाते हो ANU101 यही सेम कोड यूज़ करके. तो ये लिंक है और आप आइए और ज्वाइन कीजिए. देखो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको 100+ टॉप एजुकेटर्स जो हैं ये आप उनको एक्सेस कर पाओगे. देखो और इतने सारे कोर्सेज हैं आपके पास 15,000 से ज़्यादा आपको कोर्सेज हैं अवेलेबल होंगे वहाँ पे. ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पे. और कोड क्या करना है आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अगर 10% डिस्काउंट चाहिए तो ANU101 अगर आप ये कोड यूज़ करोगे तो क्या होता है आप अनलिमिटेडली इनके इन ये जो क्लासेज जो है आप इनको एक्सेस कर पाओगे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. अब देखो ये है रीजनेबल अमाउंट सबकी प्लस कोर्सेज की. और फिर 10% डिस्काउंट के बाद में क्या होता है ये हो जाएंगे आपकी जो रेट है. और इसके लिए कोड क्या यूज़ करना पड़ेगा ANU101 कैपिटल लेटर्स में ANU है फिर 101 ठीक है कोई गैप नहीं सभी साथ में है ANU101 ऐसे. फिर ये आइकोनिक में है इसमें भी 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ANU101 ऑलराइट. तो ये चीज़ें ये हैं यहाँ पे. और देखो ऑप्शनल में भी आपको सब्सक्रिप्शन दे रही है UPSC अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है. ओके तो ये देखो 10% इसमें भी आपको 10% मिल रहा है. ये हो जाएगा आपको 10% मिलने के बाद में ANU101 आप कोड यूज़ कर सकते हो इसके अंदर. देखो अभी आज संडे है 11 बजे क्यों क्या होगा ये कॉम्बैट होने वाला है तो प्लीज़ आप इसको एनरोल करवाइए अपने आप को जाके. बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉम्बैट होने वाला है. और एनरोल करवाना है तो इसके लिए भी आपको कोड क्या यूज़ करना है ANU101. और आज 20 दिसंबर है और 11 बजे ये होगा. इस क्लास के बाद में आप जाके इसको अटेंड भी कर सकते हो आराम से. प्लीज़ जाइए इसको यूज़ इस कॉम्बैट को देखिए. आप आपने जो पढ़ा है ना अब तक का वो आपको रियलाइज़ हो जाएगा. अगर देखो अगर आप ये सोचो कि परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं आएगी तो ज़रूरी नहीं है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आए या नहीं आए. आप ज़रूरी ये है कि आप उस उन टेस्ट को जाके आप उन टेस्ट को आप कर रहे हो
ये टेस्ट को करना, टेस्ट को देखना और ये चीज़ें क्वेश्चंस को देखना आपको एक कॉन्फिडेंस आप में ला देगा कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आप ऐसे अटेंड कर सकते हो। बाद में उनका एनालिसिस भी, वीडियो एनालिसिस आपको दिया जाएगा पूरा पूरा, अच्छे से आपको चीज़ें क्या है एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो इसमें क्या है 13 राउंड होंगे और जो ईच राउंड है वो कितने मिनट का होगा, 45 मिनट का होगा और 60 क्वेश्चंस होंगे जिसमें, और 6 सेक्शंस में क्या है वो डिवाइडेड होगा। और ये क्या ऑल्टरनेटिव संडेज को होता है, फर्स्ट संडे को होता है, फोर्थ संडे को होता है, हर एक मंथ में। तो ऐसे होता ही है ठीक है। और देखो जो 1 से 3 जो रैंक आ रहे हैं उनको 3 मंथ का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और अमेजोन गिफ्ट कार्ड मिलेगा। देखो अगर आपको इसमें एनरोल करवाना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा कोड है Anu101 जो कोड है आप यूज़ कीजिए और प्लीज़ अपने आप को एनरोल करवाइए। बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बैट है ये, आज 11 बजे होगा ये। और जो 4 से 150 रैंक है उनको 1000 अमेजोन का वाउचर मिलेगा। देखो 6 मंथ्स रहे हैं और 6 मंथ्स रहे हैं तो यहाँ पे 21 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। देखो पहले था 14 दिसंबर से, तो फिर अभी इसको एक्सटेंड कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है इसमें एनरोल हो सके। आपका कोई भी सब्जेक्ट क्या है वो रन्ना रह जाए, तो बाइलिंगुअल भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, जो आपको पसंद है वो पढ़ाएंगे, हिंदी में भी है फिर इंग्लिश में भी है, जो आपको पसंद है वो चीज़ होगा, मतलब जो भी है गुजराती मराठी जो भी आपको जो पढ़नी है उसमें पढ़ाएंगे, फिर हिंदी के लिए ये है, फिर इंग्लिश के लिए ये है। देखो 22 के लिए ये कोर्स ये होगा, सारे स्टार्ट 21 दिसंबर से ही हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। सारी चीज़ें क्या है स्टार्ट 21 दिसंबर से हो रही है, ये टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। ये चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग, पर्सनल कोच जो है यहाँ पे पर्सनल कोच इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट योर जर्नी क्या है ये पर्सनल कोच आपको हेल्प करेगा उस रोड पे गाइड करने के लिए, गाइडेंस डायरेक्शन देने के लिए। गाइडेंस डायरेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस यूपीएससी के अंदर। आपको जहाँ पे ये नहीं मिल पाती है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि कुछ गलतियाँ हो जाती है आपके एग्जाम में, और वो गलतियाँ जो हो जाती है ना उसके चक्कर में फिर आप नहीं कर पाओगे, आप एक एक नंबर से रह जाते हो फिर आप। ये बहुत बहुत खैर आगे देखते हैं। देखो आज सब ये स्पेशल क्लास है ये है और NCERT आपकी चल रही है वहाँ पे, और आपको अनलॉक करना है इसको, तो Anu101 जो है आप यूज़ कर सकते हो इसको ठीक है, ये कोड है इसमें। हमें आज देखना है आर्टिकल 17 और 18। देखो मैंने आज क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं लिया, मैंने सोचा कि ये जो रिवीजन जो सीरीज है ना पहले ये कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट सैटरडे संडे को क्या है क्वेश्चन ही करेंगे हम। नेक्स्ट सैटरडे और संडे को क्या है मैं क्वेश्चन ले आऊँगी और फिर क्या है हम उस टाइम पे क्या है क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे फिर, क्योंकि क्या है अगर ये रिविजन अगर नहीं करेंगे ना हम टाइम पे, फिर हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो हो सकता है ना कि कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं कुछ कंसेप्ट जो है वो रह जाए और हम उनको डील ना कर पाए। इसलिए क्या है ये पहले हम रिविजन करते हैं, और फंडामेंटल राइट आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, बस बात ये है फंडामेंटल राइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो चैप्टर जो है ना हम जैसे जैसे करेंगे उनके साथ साथ फिर सैटरडे संडे को क्या है एक फैक्ट्स आंसर्स एंड क्वेश्चन ये एक जो है हम स्टार्ट कर लेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे डाउट क्लियरिंग सेशन है वो नाम होगा उसका, और डाउट क्लियरिंग सेशन नाम होगा उसका, और उसके अंदर हम जितने भी आपको डाउट हैं प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग और स्पेशल क्लास के रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग जो भी कुछ भी डाउट है वो हम इसके अंदर करेंगे सैटरडे संडे को, प्लस हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ऑलराइट, तो हमने बात करते 17 और 18 का। देखो अब तक हमने क्या बात की थी, आर्टिकल 14 की बात की थी हमने, 15 की बात की थी, 16 की बात की है, आज हम देखेंगे 17 से 19 आर्टिकल्स। 14, 15, 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ट्रिनिटी और कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, आर्टिकल 14 को, 19 को, 21 को बोला जाता है। ये जो ट्रिनिटी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिनिटी है। आर्टिकल 17 में हमने आज देखा NCERT की, जब हमने क्लास ली थी उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी NCERT की, जब हमने 11th की क्लास देखी तो हमने चीज़ें देखी थी उसके अंदर कि कुछ अनेबलिंग प्रोविजंस जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कुछ ऐसे प्रोविजन जो थे वो जो लिमिट इम्पोज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और कुछ ऐसी चीज़ें जो देखी जिसके अंदर पार्लियामेंट को क्या है पार्लियामेंट को एम्पावर किया जा रहा है, जो पार्लियामेंट जो है उनको एम्पावर किया जा रहा है इसके अंदर।
पार्लियामेंट जो है, और अनेबलिंग प्रोविजन देखा, लिमिटेशन देखी, और उसके अंदर देखा कि अनेबलिंग उसके अंदर लिमिटेशन जो है कुछ अनेबलिंग प्रोविजन लिमिटेशन एंड कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसके अंदर पार्लियामेंट को क्या एम्पावरमेंट मिल रही है। अब एम्पावरमेंट में हमने देखा था कि आर्टिकल 17 जो है क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। अनटचेबिलिटी को वो अबॉलिश ही नहीं करता है, वो प्रैक्टिस की भी फॉर्म में उसको फॉरबिडन करता है और इसको वो पनिशेबल ऑफेंस बना देता है। इसके लिए क्या एक्ट पास हुआ था, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो है वो पास हुआ था। यहाँ पे हम देखेंगे ये रहा अनटचेबिलिटी जो है। अब ये देखा यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के प्री में, यूपीएससी के प्री में बन सकता है क्वेश्चन की जो अनटचेबिलिटी है कि वो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 17 जो है वो डील करता है, इस बार का क्वेश्चन क्या था कि आर्टिकल 17 जो है वो कौन से राइट से डील करता है, राइट टू इक्वालिटी आता है या फिर राइट टू एक्सप्लोटेशन आता है या फिर फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। तो किस में आता है, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है ये क्वेश्चन। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन जो था ना, हमने नाम पढ़े शुरुआत की जब फर्स्ट लेक्चर जब हमने देखा था, उसके अंदर हेडिंग्स देखी थी कि राइट टू इक्वालिटी में ये आर्टिकल्स आते हैं, राइट टू फ्रीडम में ये आर्टिकल्स आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में 23 और 24 आते हैं। ये क्यों थे, ये किस लिए बताए गए थे, मैंने इसलिए बताए गए थे। और क्यों मैं रिविजन करवा रही हूँ आप लोगों की इन सब सेक्शंस के रिगार्डिंग क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। आप सीधा अगर डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करोगे ना, तो आप ये देखोगे कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट जो है लैग कर रहे हो। आप पहले से बहुत अच्छे से आप रिविजन कर लोगे, उसके बाद में जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ये मैटर करता है, कॉन्फिडेंस आना ही मैटर करता है इस पेपर में, कॉन्फिडेंस रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो तो अनटचेबिलिटी क्या है, यहाँ पे पहला कंसेप्ट क्या है, ये डिफाइंड नहीं है ये कहीं पे भी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डिफाइंड नहीं है, ना ही अनटचेबिलिटी जो एक्ट आया था उसके अंदर भी डिफाइंड नहीं है ये, और ना ही ये प्रोटेक्शन सिविल एक्ट जो था उसके अंदर बाद में अमेंडमेंट करके जो आया उसके अंदर भी डिफाइंड नहीं है। ये एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस है जो कि लोगों को एक डाउनग्रेड करती है, उन लोगों को नीचा दिखाती है, उन लोगों को बताती है कि आप लोग हमारे बराबर नहीं हो, ये चीज़ बताती है ये। किस अकाउंट पे, उनके बर्थ के अकाउंट पे, भाई उनका बर्थ हुआ है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में तो वो उस जाति के हो गए हैं, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या है, वो मेन स्ट्रीम में लाने आने के लायक नहीं है, ये चीज़ बताती है। सोशल प्रैक्टिस होती है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या है, छूना ही अनटचेबिलिटी नहीं होता इसको, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली भी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी अनटचेबिलिटी होती है कि आप किसी के साथ बैठते नहीं है, बात नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बताती है अनटचेबिलिटी को। आपका क्या है, फिलोसफिकल क्वेश्चन क्या आएगा यूपीएससी के अंदर, फिलोसफिकल क्वेश्चन ये आ सकता है यूपीएससी के अंदर कि वो आपसे ये पूछेंगे कि जो अनटचेबिलिटी जो है ना, ये एक तो डिफाइंड है ये, या तो किसी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आपको ध्यान रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड नहीं है, तो ये तो ज़रूर होगा कि ये जो अनटचेबिलिटी जो है ये डिफाइंड है एक्ट के अंदर, इस सेक्शन 2F के अंदर डिफाइंड है। वो आपको इतना, मतलब इतना अच्छे से उस स्टेटमेंट को इतना अच्छे से फॉर्म कर देंगे तो आप खुद मानने को तैयार हो जाओगे, हाँ हो सकता है इसमें डिफाइंड हो, तो आप उसको करेक्ट कर दोगे। नहीं, याद रखिएगा, किसी भी एक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है अनटचेबिलिटी। और दूसरा क्या हो जाएगा कि ऐसी ये सोशल प्रैक्टिस है जिसको हम छुआछूत मानते हैं, और ये वैसे सोशल, वैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में ये प्रिवेलेंट नहीं है। ये ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि अनटचेबिलिटी नाम से क्या पता चलता है कि अनटचेबिलिटी मतलब जिसको हम छू नहीं सकते। तो अगर आपको इसका कंसेप्ट ढंग से नहीं पता होगा तो ये जो क्वेश्चन जो है आपका पूरा गलत हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के अंदर। फिजिकल टच का मतलब ही नहीं होता है, मतलब वो पोल्यूट कर देगा दस, ये तो होता ही है, लेकिन फिजिकल टच का मतलब ही अनटचेबिलिटी नहीं होता है। ये सोशल प्रैक्टिस है जो कि किसी भी फॉर्म में प्रिवेल कर सकती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम किसी को टेम्पल जाने से भी मना कर रहे हैं, ये भी अनटचेबिलिटी होती है, ये भी अनटचेबिलिटी होती है। ये रिवीजन और ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, मैं इसलिए आपको चीज़ें बता रही हूँ, आपको थोड़ी बोरिंग लग रहा होगा कि रिवीजन चल रही है, नहीं, रिवीजन के अंदर ये जो बेसिक कंसेप्ट जो मैं आपको बताऊंगी आज, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो ये लिखा हुआ कि वाटर और सेम वेल के अंदर नहीं जाना आपको, सेम कुआं नहीं ले, सेम कुएं में आपको पानी नहीं लेना है। वाटर टैंक अगर कोई है तो वो वहाँ से आपको पानी नहीं मिलेगा। जहाँ पे हायर कास्ट सोसाइटी जहाँ पे रह रही है वहाँ आप आ जा नहीं सकते, उस रोड पे आप चल नहीं सकते। तो क्या है ये चीज़ें, ये अनटचेबिलिटी है, किसी को रोकना उसके अधिकार से। क्या आर्टिकल 19 के अंदर जो हमने चीज़ें देखी थी कि राइट टू मूव फ्रीली, क्या उसके अंदर ये राइट था, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसके अंदर थी, ये रिस्ट्रिक्शन थी उसके अंदर, नहीं, उसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन थी राइट टू मूव फ्रीली के अंदर, पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर था उसके अंदर, मोरालिटी थी उसके अंदर, एंड इंटरेस्ट था ST थी, शेड्यूल ड्राइव था, ये तीन रिस्ट्रिक्शन थी उसके अंदर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थी। तो शेड्यूल ड्राइव के लिए हम लोगों पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि ST के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेंगे, नहीं, लोगों पे, उनके प्रोटेक्शन के लिए, कि मतलब इस एरिया के अंदर अगर ट्राइबल ग्रुप रह रहा है ना तो वहाँ लोगों को नहीं जाना,
नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप परमिट लेना पड़ेगा आपको वहाँ के स्टेट्स में जाने के लिए, और उस लिमिट के अंदर ही आप रह सकते हो, बाहर वापस आना पड़ेगा। वहाँ पे रहने का राइट टू रेजिडेंस नहीं है आपके पास में, क्यों नहीं है? उनके राइट के लिए, उनके उनके प्रोटेक्शन और राइट के लिए ही है। ये चीज़ें क्या बता रही है? अनटचेबिलिटी बता रही है। क्या होती है? एक तरह से आप किसी को, अगर किसी के साथ भी आप ये जो प्रैक्टिस जो है, सोशल प्रैक्टिस जो है, अगर आप इसको करते हो तो क्या होता है? ये एक तरह से डिसेबिलिटी होती है। ये डिसेबिलिटी जो होती है आर्टिकल 17 के अंदर साफ साफ नाम क्या लिखा हुआ है, ये रहा डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी वर्ड है यहाँ पे। अब डिसेबिलिटी एक वाइडर टर्म है, और डिसेबिलिटी के अंदर आप कुछ भी चीज़ें, आपको आप क्या इन्वॉल्व कर सकते हो इनके अंदर, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे नहीं ना, इन चीज़ों को वर्ड टू वर्ड आप चीज़ें नहीं देखोगे। अबॉलिश कर रखी है इसकी, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी को उसको अबॉलिश कर दिया गया है, इसकी प्रैक्टिस को भी अबॉलिश कर दिया गया है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है, सॉरी ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश बट अनटचेबिलिटी, बट अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? लेकिन अनटचेबिलिटी को नहीं किया है, तो ये क्या ही गलत हो जाएगा स्टेटमेंट? नहीं, उसकी अनटचेबिलिटी को भी अबॉलिश कर दिया गया है और उसकी प्रैक्टिस को भी अबॉलिश कर दिया गया, ये बता रहे इसमें। नहीं, ये बता रहे हैं इसमें, ये चीज़ें हमने देखी। अब देखो ये केस देखते हैं हम, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 17 किसके अगेंस्ट है? प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। ये क्या बता रहा है अनटचेबिलिटी के अंदर कि अनटचेबिलिटी कौन करता है? हम जैसे लोग ही तो करते हैं अनटचेबिलिटी, तो ये क्या है? प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट है ये। द नेचर ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ये ऐसा है कि इसको ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको कंसीव पता लगा सके कि कौन से स्टेट के पार्ट में क्या है अनटचेबिलिटी, क्या प्रैक्टिस हो रही है। तो इसलिए प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। अगर कहीं पर भी अगर आप देखते हो ना अनटचेबिलिटी लोग कर रहे, तो आप ये जो फंडामेंटल राइट जो एनफोर्सिबिलिटी है 32 के अंदर आप रिट फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अंदर कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं अभी भी सोसाइटी के अंदर, आप ऐसे कर सकते हो। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक जो राइट है, इसके अंदर क्या हुआ था? आर्टिकल 17, 23 और 24 के अंदर बोला गया था, दे आर, ये क्या है ये जो सेक्शन, ये जो आर्टिकल जो है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। कौन सा आर्टिकल किसके अगेंस्ट है, कौन सा आर्टिकल किसके अगेंस्ट नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब हमने आर्टिकल 14 देखा था तो उसके अंदर क्या था? वो सबके लिए है, सिटीजन नॉन सिटीजन के लिए है। आर्टिकल 15 जब हमने देखा था क्या पढ़ा था उसके अंदर? वन क्लोज तो स्टेट के अगेंस्ट है, लेकिन टू क्लोज किसके अगेंस्ट है? स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। ये जो की वर्ड जो है ना, ये आप ध्यान रखिए, इनके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। 16 के अंदर क्या है, क्या बता रखा है कि ये स्टेट के अंदर अवेलेबल है, स्टेट इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं आता उसके अंदर, स्टेट इसके अंदर स्टेट आता है, ये स्टेट के अगेंस्ट है, ये स्टेट को प्रिवेंट करता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी जो है सबको इक्वलेंट मिलेगी, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन कंपनसेटरी बेनिफिट जो है रिजर्वेशन के फॉर्म में आप दे सकते हो, वो प्रोविजन है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ें थी इसके अंदर, ये रहा। और दूसरा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्रीड पर्सन जो है, जैसे मैं सक्षम हूँ, मेरे साथ कुछ हुआ है और मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती थी जो कि सो कॉल्ड अनटचेबल है, और मैं एग्रीड हूँ, मैं फिर भी सक्षम हूँ और मैं जा सकती हूँ कोर्ट में, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो नहीं जाते कोर्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ वाले जो वो भी नहीं जाएंगे कोर्ट के अंदर। अगर और दूसरा, मैंने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और पर्सन ने, जो दूसरे पर्सन है जो कि जा सकते हैं, उन्होंने दूसरों स्टेट को बोला या फिर उन्होंने उन्होंने रिट फाइल कर दी मेरे बिहाफ पे, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं अपना राइट को क्या है वेव कर सकती हूँ। हमने देखा था ना राइट डॉक्ट्रिन ऑफ वेव आर्टिकल 13 के अंदर क्या था, वो यही था। इंडिविजुअल अपने राइट को क्या है वेव कर देगा, लेकिन इंडिविजुअल तब वेव नहीं करेगा जब एज ए होल की बात हो रही हो। वो अनटचेबिलिटी मेरे को रिगार्डिंग नहीं थी, मेरी कम्युनिटी, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ ना, उसके रिगार्डिंग मेरे साथ अनटचेबिलिटी हो रही थी, तो वो अनटचेबिलिटी जो है वो पूरी कम्युनिटी के लिए वो हो रही है, और उसके लिए क्या है कोर्ट क्या कॉन्ग्रीजेंस ले सकता है और उस उन केसेस के साथ में डील कर सकता है। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर, ये कंसेप्ट जो है, ये चीज़ें आपको रिविजन करने से, आपने एक बार पढ़ ली फिर दोबारा से आप रिविजन करोगे ना, तो आपको दिमाग में बैठी ये चीज़ें। आर्टिकल 35 जो है, रीड विद आर्टिकल 17, हाँ ये आर्टिकल 35 जो है ना, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, आर्टिकल 35 करता है। आर्टिकल 35 के अंदर क्या बता रखा है? हाँ, आर्टिकल 35 करता है। आर्टिकल 35 क्या करता है? 17 हो गया, 23 हो गया और 24 हो गया, ये आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 16 का 3 हो गया, इसके रिगार्डिंग कानून बना सकता है पार्लियामेंट। 17, 23 और 24 आर्टिकल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर है। 35 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर है इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग कोई भी कानून पास करने के लिए, वो ऐसा कानून बनाएंगे जहाँ पे ये इनकी प्रैक्टिस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, डिसेबिलिटी रहेगी नहीं किसी भी तरीके से। और आर्टिकल 16(3) के अंदर क्या है? रेसिडेंस था कि
जो आदमी जिस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो रह रहा है उसके अंदर जो रेसिडेंस जो कंडीशन है वो प्रिवेल करेगी। ये जो कंडीशन जो है ना ये आर्टिकल 35 के अंदर बता रखी है पार्लियामेंट के अंदर। ये जो पावर है ना 23 24 हो गया और पार्लियामेंट पावर, ये हम मंडे को देखेंगे तब आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये क्यों मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन बनेगा और कहीं से नहीं आएगा क्वेश्चन। इन ये जो स्लाइड्स जो है ना इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। 1976 में देखो अनटचेबिलिटी एक्ट आता है, फिर क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है इसके अंदर अमेंडमेंट होता है, उसके बाद में इसको प्रोटेक्शन सिविल एक्ट बना देते हैं। इसको मोस्ट स्ट्रिंजेंट क्यों बनाते हैं, 1955 में ये जो एक्ट है पास किया गया था। अब इसको जब पास किया गया था ना उसके बाद में भी क्या है ये अनटचेबिलिटी फॉर्म चलती थी और फिर इसको क्या है मोस्ट स्ट्रिंजेंट बना दिया गया, मोर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया इस कानून को। यहाँ पे बता रखा है यहाँ पे अगर कोई भी दिख जाएगा ना तो उसको अरेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट आप, ये कर दिया अभी इसके अंदर। लेकिन अभी रिसेंट क्या है थोड़ा अमेंडमेंट किया गया क्योंकि क्या है इस एक्ट का भी क्या है मिसयूज होने लग गया था। तो अब जब इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है ना तो उस अमेंडमेंट के तहत ये बोला गया है कि भाई जो पुलिस अथॉरिटी है, स्टेशन हाउस ऑफिसर है या फिर कोई इंस्पेक्टर जनरल है या फिर कोई इंस्पेक्टर है पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर उस जिसके पास उस एरिया का ज्यूरिसडिक्शन है, तो वो क्या करेगा, वो पहले इन्वेस्टिगेट करेगा केस को, उसके बाद में क्या है इन्वेस्टिगेट करेगा और उसको लगता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ है तब अरेस्ट करेगा। ये पावर दे दी ताकि इसका क्या मिसयूज ना हो सके, बस ये है। इसके अंदर खुद का ट्रायल कोर्ट भी है भाई, इसके अंदर ट्रायल कोर्ट इसका खुद का ट्राइब्यूनल भी है जो कि इन केसेस को डील करेगा। ये भी इसके अंदर स्पेशल कोर्ट बोलते हैं जिसको, स्पेशल कोर्ट भी बनाया गया ताकि ये जो लोग जो है ना ताकि इनका इनका जो राइट जिन 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 लोगों का वॉयलेट हो रहा है राइट उन लोगों को उसी वक्त क्या है जस्टिस मिल जाए, उनको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने में टाइम ना लगे और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं उसमें खर्चा ना हो, उसी वक्त देन एंड देयर उनका क्या है उनको क्या जस्टिस मिल जाए। ये चीज़ें बताई हुई हैं इसके अंदर। ये ना पनिशमेंट 1 से 2 साल की पनिशमेंट है यहाँ पे, ये चीज़ें यहाँ पे, ये उस एक्ट के बारे में कुछ है चीजें। इस केस में क्या बोला गया था देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपना बताया कि ये जो प्रैक्टिस जो है आप अनटचेबिलिटी की जो चलती चली जा रही है कॉन्टिन्यूस में अभी भी, इसने बोला कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, और ये जो आप बोल रहे हो ना ये जो कास्ट सिस्टम के आप बेसिस पे आप कर रहे हो, इस केस में बोला गया कि ये जो कास्ट सिस्टम जो है ना ये इस कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आप चीज़ें कर रहे हो ये भी अनटचेबिलिटी के फॉर्म में आती हैं, ये भी अनटचेबिलिटी के फॉर्म में आती है। आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते आपकी पर्टिकुलर कास्ट का बंदा जा सकता है। मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया था कि अगर ये पर्टिकुलर कास्ट का बंदा जो है वो जा सकता है टेंपल में, पर्टिकुलर कास्ट का नहीं जा सकता है। ये क्या आता है, ये भी अनटचेबिलिटी आता है, ये भी एक डिसेबिलिटी का फॉर्म है, ये एक डिसेबिलिटी का फॉर्म है। फोर्स्ड लेबर को ख़त्म कर दिया गया है, फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है कि जिसको वेजेस टाइम पे नहीं दिए जा रहे, जिनके पास लिविंग कंडीशन जो है उनकी वो अच्छे से नहीं दी जा रही है, ये भी अनटचेबिलिटी के अंदर आता है। लेकिन क्या होता है, अब एक और चीज़ ध्यान रखना, उसके अंदर वर्ड स्लेवरी मैंशन नहीं है आर्टिकल 17 के अंदर, स्लेवरी वर्ड उसके अंदर मैंशन नहीं है। स्लेवरी क्या है, फोर्स्ड लेबर के अंदर है। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आर्टिकल 17 के रिगार्डिंग कि आर्टिकल 17 नॉट ओनली अबॉलिश, आर्टिकल 17 जो है नॉट ओनली अबॉलिश अनटचेबिलिटी बट स्लेवरी इन एनी फॉर्म, स्लेवरी वर्ड मेंशन नहीं है उसके अंदर, फोर्स्ड लेबर है, याद रखिएगा, गलत होगा ये क्वेश्चन। आप ये सोचोगे कि फोर्स्ड लेबर के अंदर स्लेवरी आता है, हाँ स्लेवरी अबॉलिश करता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा, लेकिन आर्टिकल 17 के अंदर जो वर्डिंग जो है उसके बेसिस पर अगर आप देखोगे ना तो नहीं है, तो ये गलत होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये आ जाएगा कि स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, तो फोर्स लेबर तो है उसके अंदर, फोर्स लेबर वर्ड आ गया लेकिन स्लेवरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सही माना जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फोर्स लेबर वर्ड आ चुका है। ये जो छोटे छोटे डिफरेंस जो है ना ये ध्यान रखिए आप, ये है देखो आर्टिकल 18 देखते हैं अभी। आर्टिकल 18 में से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये लगता है कि आर्टिकल 18 के अंदर सिर्फ अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हैं उसके बाद में बस यही है, इसके अंदर और कुछ नहीं। आर्टिकल 18 से क्या क्वेश्चन बनेगा देखो, फॉरेन सिटीजन जो है ना वो अगर इंडिया में रह के काम कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में रह के अगर वो काम कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन तो फॉरेन सिटीजन के ऊपर भी है कि वो टाइटल वगैरह क्या है नहीं ले सकता, लेकिन क्या है अगर प्रेसिडेंट ने अगर उसको कंसेंट दे दी ना तो वो ले सकता है, याद रखिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन को तो किसी भी तरीके से अलाउ नहीं कर रखा कि वो किसी भी फॉरेन स्टेट से क्या है सिटीजन तो बिल्कुल नहीं लेगा टाइटल जो है, किसी भी तरह का टाइटल। टाइटल क्या होता है, जैसे महाराजा का टाइटल हो गया या फिर राजा का टाइटल हो गया, ये जो टाइटल जो होते हैं ना जो कि एक मोनार्किक रूल को या फिर ऐसे बताते हैं कि भाई
उसको पर्टिकुलर बंदे को एम्पावर कर देते हैं, ऐसे टाइटल क्या है नहीं माने जाएंगे। लेकिन देखो मिलिट्री का टाइटल हो गया या फिर अकेडमिक टाइटल हो गया, ये दे सकते हो आप, जैसे है ना भारत रत्न हो गया, विभूषण हो गया, ये देते हैं, ये इसलिए देते हैं। लेकिन इनमें भी कंडीशन है। अब देखो आगे देखो आप कि कोई भी आदमी जो है सिटीजन है, हु इज़ नॉट ए सिटीजन ईरा, जो जो पर्सन जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर काम करता है या ट्रस्ट के अंदर काम करता है स्टेट के अंदर, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट अ टाइटल फॉर मैनी फॉरन स्टेट। देखो फॉरनर को अलाउड है टाइटल लेना, लेकिन क्या है उसको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेजिडेंट से। तो ये अगर ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, अगर मान लो अगर अबॉलिशन और टाइटल है, अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको देखा है कि भाई अबॉलिशन और टाइटल ये सिर्फ, और चलो ठीक है कोई भी उसको टाइटल लेना नहीं है, अकेडमिक और मिलिट्री टाइटल है बस वही ले सकता है, बाकी टाइटल नहीं लेना। तो ऐसे में क्या होगा, वो आदमी क्या सोचेगा कि जब जो जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं और यूपीएससी ने मान लो ये दे दिया कि no person shall be conferred any title by the any foreign state। अब यहाँ पे no person आ गया वर्ड, अब याद रखिएगा यहाँ पे कोई citizen और citizen या फिर कोई foreigner नहीं है, यहाँ पे कोई no person है। यहाँ पे no person में क्या होता है, यहाँ पे citizen और foreigner ये दोनों आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये उस ये जो statement जो है उसके next वाले statement में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर based होगी। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है no person shall be entitled to take any title from any foreign state, फॉरेन स्टेट वर्ड आ गया ना यहाँ पे। कोई भी पर्सन जो है वो एंटाइटल नहीं होगा किसी भी फॉरेन स्टेट से किसी पर टाइटल, बात सही है। लेकिन पर्सन क्या बोलता है कि यहाँ पे सिटीजन भी आएगा यहाँ पे और नो जो फॉरनर है वो भी आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, जो सिटीजन जो है वो ले सकता है टाइटल, अकेडमी का टाइटल ले सकता है। तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी आप बताइए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नो पर्सन वाली स्टेटमेंट दी है और दूसरी क्या दी है, जो सिटीजन जो है वो अकेडमी का टाइटल जो है वो ले सकता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगी, कैसे होंगी, क्योंकि यहाँ पे नो पर्सन किसी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता है, यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है कि जो सिटीजन जो है वो किसी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता, यहाँ पे सिटीजन भी लिखा हुआ है कि फॉरेन स्टेट से नहीं लेगा, और कोई भी पर्सन जो कि सिटीजन नहीं है मतलब फॉरनर जो है वो फॉरेन स्टेट से नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे ओनली कंडीशन तो नहीं थी ना कि वो नहीं ही लेगा, उसके पास स्ट्रिक्ट कंडीशन है, ये तो नहीं थी, ये सिर्फ जनरल स्टेटमेंट थी। तो डिफरेंस ऐसे क्रिएट होता है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि डिस्पाइट प्रेजेंट कंसेंट वो उसके वो एंटाइटल नहीं है कोई भी स्टेटमेंट लेने से, ये स्टेटमेंट गलत होगी। यहाँ पे बता दिया ना, कंडीशन दे दी ना यहाँ पे कि प्रेजेंट कंसेंट लेने के बाद में भी वो क्या है, वो जो फॉरनर जो है वो टाइटल नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, प्रेजेंट की कंसेंट ले ली तो ले सकता है वो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। अब देखो दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, कि कोई भी पर्सन जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होल्ड कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है स्टेट के अंदर, विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंदर। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे इमोल्यूमेंट की बात कर रहे हैं या फिर यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ना नो पर्सन में यहाँ पे फॉरनर भी आ जाता है, यहाँ पे सिटीजन भी आ जाता है। अगर आप किसी से भी गिफ्ट लेते हो, देखो एनजीओ जो है, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है इसके अंदर चेंजेस लेके आई है। इसके अंदर चेंजेस में क्या बोला है गवर्नमेंट ने, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर साफ साफ बोला गया है कि जो ये जो 10 साल से पुराना जो एनजीओ जो है ना उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपने आप को 5 साल के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा, 5 साल के बाद में दोबारा से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर क्यों किया गवर्नमेंट ने, एनजीओ जो है ना ये ग्रीन पीस फाउंडेशन हो गई या फिर और कोई फाउंडेशन हो गई, ये क्या करती है, बाहर की एनजीओ जो होती हैं, अभी बाहर की एनजीओ क्या होती है, बाहर से पैसा लेती है और इन्फ्लुएंस करती है हमारी जो लोग जो होते हैं ना, आसपास के लोग जो होते हैं उन लोगों की थिंकिंग को क्या है, ये इन्फ्लुएंस करती है और गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन जो होता है ना उसको अफेक्ट करती है। लोग क्या करते हैं जो है हड़ताल करके बैठ जाते हैं सड़कों पर, गवर्नमेंट को अपना काम नहीं करने देते, तो वो काम एक बार के लिए तो रुक गया ना, वो काम एक बार के लिए तो रुक गया ना, ये ऐसे काम करती है एनजीओ जो होती है। तो इसीलिए इस एक्ट के अंदर बोला गया कि आप जो भी इमोल्यूमेंट और गिफ्ट जो लोगे इस एक्ट की वजह से ले गए, ये आर्टिकल जो था ना इस प्रोविजन के अंदर जो इमोल्यूमेंट और प्रेजेंट वाला जो था, इस आर्टिकल की वजह से वो एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया कि आप ऐसे नहीं करोगे। उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर बोला कि ये जो भी एनजीओ है उनको गवर्नमेंट के साथ में 5 साल के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा और वो जितना भी जो भी कंट्रीब्यूशन वगैरह जो लेती हैं उसमें से 50% से ज़्यादा जो है वो खुद का अपना एनजीओ जो है उसको अपलिफ्ट करने के लिए काम करेंगी, और बाकी जो पैसा है उस वो कहाँ खर्च हुआ आप उसका पूरा बकायदा जो है अकाउंट पूरा जो है गवर्नमेंट को दोगे। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये जो प्रोविजन जो मैंने आपको बताया ये ऐड किया गया, क्यों ऐड किया गया, आर्टिकल 18 और इस क्लोज 4 के कारण किया गया।
ये इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया गया है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके अंदर अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, इस आर्टिकल के कारण अमेंडमेंट हुआ है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को रिवाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप न्यूज़ में कुछ भी देखते हो ना, तो आप उसको इन आर्टिकल के साथ में ना कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो आप अगर कनेक्ट कर पाओगे ना तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो, एक भारत रत्न है इसके अंदर, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री, तो अकेडमिक है ना, तो आप ये दे सकते हो इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या थी कि आप इसको प्रीफिक्स, मतलब भारत रत्न अनुराधा चौधरी ऐसे नहीं आप यूज़ कर सकते इसके अंदर, या भारत विभूषण ये हो गया, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, अनुराधा चौधरी भारत रत्न अवॉर्डी, आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते इसको। प्रीफिक्स में, सफिक्स में, मतलब आपके नाम के आगे ना पीछे, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते आप। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कईयों को मिल जाता है ना ये, तो क्या करते हैं वो लिख देते हैं भारत रत्न अवॉर्डी, फिर भी लिख देते हैं वो, ये नहीं कर सकते आप आर्टिकल के अंदर। अबॉलिश में अबॉलिश कर सकते हैं इस आर्टिकल को, वो वापस ले सकते हैं, प्रावधान है, वो वापस ले सकते हैं आर्टिकल 18 के अंदर। ठीक है, तो ये था इसके अंदर, और बाकी कंडीशन बता रखी है कि ये नेसेसरी है कि एक सिस्टम ऑफ अवार्ड होना चाहिए, डेकोरेशन होना चाहिए कि रिकोगनाइज की एक पर्सन के एफर्ट्स को रिकोगनाइज करने के लिए। ये जो अवार्ड जो होते हैं ना, मेनली स्टेट रिकोगनीशन नहीं होती, ये उस फील्ड के अंदर जो उसने काम किया उसका रिकोगनीशन होता है। अकेडमिक डिस्टिंक्शन जो है आप दे सकते हो, एंड दे आर मेयर डेकोरेशन, सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं, नॉट हेरिडेटरी टाइटल नहीं होते ये, है ना, लाइक महाराजा, राय बहादुर, राव साहब, ऐसे नहीं कर सकते आप। और बट दे कैन नॉट बी यूज एज सफिक्स एंड प्रीफिक्स के लिए, ये रहा। ये नोट करना जरूरी है कि जो भारत रत्न अवॉर्डी जो होते हैं ना, हैव बीन असाइन ए प्लेस इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि जो भारत रत्न अवॉर्डी जो है ना, ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंस मतलब एक ऑनररी एक लिस्ट के अंदर उनका नाम भी शामिल होता है ना, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ऑफ द यूनियन हो गए, इन लिस्ट में भी इनका भी नाम आता है। गुड मॉर्निंग विक्की। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, आर्टिकल 19 देखना है। ये आर्टिकल 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 19 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 के अंदर जब हमने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोविजंस जो थे वो क्या बोलते हैं, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, लिमिटेशन इम्पोज की बात करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, दूसरी अंतर में अनेबलिंग प्रोविजन की बात करते हैं, किस फॉर्म में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की फॉर्म में। आर्टिकल 19 के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि गवर्नमेंट को भी करते अलाउ करते हैं कि वो ये सब काम कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर ये बता रखा है कि अगर इसके अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं, पहली चीज़ जिस पे क्वेश्चन बन सकता है आर्टिकल 19 के अंदर, क्या बन सकता है कि आर्टिकल 19 के अंदर अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो वो चेंजेस आप कैसे कर पाओगे उन आर्टिकल्स के अंदर, कोर्ट कर सकता है उसके अंदर, वो इंटरप्रेट कौन करेगा, कोर्ट कर सकता है कि उसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो सही हुए हैं कि नहीं हुए, वो कोर्ट की पावर है। और उसके अंदर अमेंडमेंट कौन कर सकता है, वो पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा, अभी दिख जाएगा आपको। देखो, आर्टिकल 19 के अंदर पहला क्वेश्चन क्या था कि इसके अंदर आर्टिकल 19 के अंदर पहला क्वेश्चन क्या था इसके अंदर कि पहले जो पहला इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है कि इसके अंदर जो इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल का, क्या वो सही हुआ है कि नहीं हुआ, कौन देखेगा इसको, कोर्ट देखेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि इसके अंदर चेंजेस कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट चेंजेस कर सकता है इस आर्टिकल के अंदर, किसके तहत, आर्टिकल 33, 34 एंड 35 के तहत, इन प्रोविजंस के कारण कर सकता है। अब ये चीज़ें जो हैं जो हमने देखी अब तक, इससे पहले जितनी भी चीज़ें देखी, आर्टिकल 14 की देखी, 15 की देखी, 16 की देखी, 17, 18 के अंदर देखी, हमने इन सब में देखा कि भाई किस किस क्वेश्चन पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, इन इन केस इनके अंदर जो है केस लॉज भी हमने देखे कि ये जो केस लॉज जो है, जो जीएस की जो हम आंसर राइटिंग जो करते हैं उसके अंदर क्या है, ये इंपॉर्टेंट होगा केस लॉज को समझना भी, क्योंकि जीएस के अंदर जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर ये केस लॉज का मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, अगर आपको पूरा नाम याद नहीं रहता, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको पूरा नाम याद नहीं रहता है, फैक्ट्स याद रहते हैं तो आप वो भी लिख दो, एक नाम एक वर्ड भी केस का पूरा याद रहता है तो आप वो भी लिख दो, उससे भी क्या है, एक नंबर ज़्यादा मिल जाएगा आपको।
न्यूज़पेपर की सर्कमस्टांसेस क्या है, मतलब कितन, दोबारा से पूछूं, समझ में नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा न्यूज़पेपर क्या, वो ओटीटी वाला प्लेटफॉर्म, वो आर्टिकल आगे प्रोविजन में है, आगे मैं बताऊंगी इसके अंदर। अच्छा हाँ आगे है वो। देखो पहला राइट इसके अंदर क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था इसके अंदर आर्टिकल। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या था इसके अंदर, कि आप कुछ भी चाहे, जो चाहे आप वो चीज़ें क्या है वो बोल सकते हो, लेकिन उसके अंदर क्या, आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। अब देखो आर्टिकल 19 क्या है इसके अंदर, पहला आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है इसके अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है इसके अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास फ्रीडम है कि आप जो चाहे वो चीज़ें क्या है वो बोल सकते हो, वो जी जो चाहे वो चीज़ें क्या है कर सकते हो, आप जो चाहे क्या है वो इन्फ्लुएंस करते हो, कर सकते हो लोगों को। लेकिन इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या थी, सोवरेनिटी इंटेग्रिटी, और सोवरेनिटी हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, यूनिटी हो गया, पब्लिक मोरालिटी हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, कन्वेक्शन ऑफेंस हो गया, और कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज हो गया, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। ये सारी जितने भी थी ना, ये सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई, इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए। अब आप देखिएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन क्यों बाकी जो प्रोविजन जो है ना, जो हम ए से जी के अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या है, कम कम होती रहती है रिस्ट्रिक्शन उसके अंदर। कई आर्टिकल के अंदर तो ये जो फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट है, ये सिर्फ ए के अंदर है, बाकी के अंदर नहीं है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसके अंदर कितनी दी हुई है, ये भी आपको देखनी है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो जिस आर्टिकल के अंदर जो दी हुई है, जितनी नहीं दी हुई है, ये क्या है, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये था इंपॉर्टेंट इसके अंदर, ठीक है। तो ये था इसके अंदर क्या था, इसमें आर्टिकल 19(1) क्या बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है सब सिटीजन्स के लिए। अब देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल 14 किस पे है, किस पे, किसके लिए, ये स्टेट के लिए है, स्टेट के अगेंस्ट है, और अवेलेबल किसके लिए है, सिटीजन एंड फॉरनर के लिए। आर्टिकल 15 किसके लिए, सिटीजन के लिए है। आर्टिकल 16 किसके लिए, सिटीजन के लिए है। आर्टिकल 17 किसके लिए है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए है। और 18 किसके लिए, सबके लिए है, सिटीजन एंड फॉरनर्स के लिए है। आर्टिकल 19 किसके लिए, सिटीजन के लिए है। तो मैंने आपको बताया था, तो सिटीजन के लिए कितने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, और फिर इसमें 19 है, 29 है, एंड आर्टिकल 30 है। ये जो है ना, ये सिटीजन्स के लिए आर्टिकल है। ये जो चीज़ें मैंने आपको जो लिस्ट बताई है ना, ये लिख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, 19(1) क्या बोलता है कि सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगी। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगेगी, आर्टिकल 19(2) के अंदर। आर्टिकल 19(1) के अंदर ना ये ए से जी सब चीज़ें बता रखी हैं, फिर आर्टिकल ये 1 के अंदर है, फिर 2 के अंदर क्या बता रखा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बता रखी है। अब देखते हैं इसके अंदर आगे अच्छे से, ये सिग्निफिकेंस मैं अपन अभी डिस्कस करते हैं। ए क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था। बी क्या है, फ्रीडम टू असेंबल है यहाँ पे, नहीं 15 है, 16 है, 19 है, एंड 29 एंड 30, ये 5 आर्टिकल है सिटीजन के लिए। ठीक है, तो अब देखो हमने देखा इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखा, इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो बी के अंदर क्या है, फ्रीडम टू असेंबल, असेंबल का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, दो से जहां ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं असेंबली। अब यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आप असेंबली असेंबल हो तो सकते हो, लेकिन आपको पीसफुली असेंबल होना पड़ेगा। जो फार्मर जो है वो असेंबल हो रखे हैं, कितने सारे ऐसे फार्मर्स जो कि वहाँ पे जो रोड को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हैं और हड़ताल लेके बैठे हैं, जो बल्कि उनकी कंडीशन आप देखोगे ना, तो वो ट्रैक्टर के अंदर सोते हैं, जो उनके ट्रक जो वगैरह हैं उनके अंदर सोते हैं। उन्होंने बाहर एक छोटा सा किचन बना रखा है, वहाँ वो सोते हैं। तो इनकी कंडीशन क्या है, बहुत वहाँ पे इतनी सर्दी में वो ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं, तो आप देखोगे ना, तो वहाँ पे वो असेंबल हुए हुए हैं, दो से ज़्यादा असेंबल हुए हुए हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, वो दो से ज़्यादा असेंबल तो हुए हुए हैं, लेकिन वो किसी का राइट वॉलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जब रोड को रोक के बैठे हैं ना, तो ये क्या होता है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो इनको क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर इस आर्टिकल 19(1) का ये जो सब क्लोज बी जो है ना, ये वॉलेट कर रहे हैं। वो रोड को ब्लॉक करके नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है, अगर वो रोड को ब्लॉक करके नहीं बैठेंगे, देखो वो रोड को ब्लॉक करके बैठे, लेकिन जो व्हीकल जो है आने जाने वाले, वो साइड से जा रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे हैं वो।
आर्टिकल 29, देखो केतन, आर्टिकल 29 जब आप पढ़ेंगे ना तब इन सब चीज़ों को हम क्लियर कर लेंगे। नहीं ऐसे वैसे नहीं कर सकते, इसे पार्लियामेंट नहीं बना सकती फॉरनर्स के लिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए यही है, वो सिटीजन ही होने चाहिए इंडिया के, यही है। बाकी हम जब आर्टिकल 25 से 30 देखेंगे ना तभी हम इस क्वेश्चन को भी हम डील कर लेंगे। आर्टिकल 19 मैं बता रही थी आपको, जो ये देखो ब्लॉक करके बैठे हैं ये ब्लॉक करके बैठे, लेकिन क्या है अगर ये डंडा लेके खड़े हो जाएंगे और किसी भी व्हीकल को आने ही नहीं देंगे ना ही जाने देंगे, तब ये क्या होता है पूरी तरह से क्या वॉल्यूशन हो जाएगा। अभी क्या है थोड़ा इनका पीसफुल चल रहा है, ब्लॉक भी करके बैठे हैं लेकिन पीसफुली बैठे हैं सड़क के ऊपर, तो क्या ही एक विद इन द रीच में है ये अभी आर्टिकल 1B के। लेकिन अगर क्या है ये पूरी तरह से अगर खड़े हो जाएंगे ना डंडा लेके कि, मतलब किसी को नहीं आने देंगे, तब आर्टिकल 19 1B जो है पूरी तरह से वॉयलेशन में माना जाएगा। इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, सॉवरनिटी है, इंटेग्रिटी है एंड पब्लिक ऑर्डर, ये तीन इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। और ए के अंदर कितनी थी, ए के अंदर सारी ए के अंदर सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थी। इसके अंदर फ्रीडम टू असेंबली आप कर सकते हो विदाउट आर्म्स, करना पड़ेगा आपको पीसफुली, आप उसके अंदर कर सकते हो, फार्मर जो है वो पीसफुली ही बैठे हैं अपना जो प्रोटेस्ट करने बैठे हैं वो, तो ये चीज़ें जो है ना ये फार्मर्स वाला जो अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया ये फार्मर वाला, इवन ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मर का नाम नहीं आएगा एग्जाम में लेकिन आपको ये दे देंगे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन अभी जो आ रहे हैं, ये आपका फार्मर का नाम नहीं देंगे लेकिन वो क्या देंगे, वो ये बोल देंगे इफ़ मोर देन 50 पीपल जो है, मोर देन 50 पीपल 50 जो लोग हैं वो बैठे हैं रोड को ब्लॉक करके बैठे हैं, रोड को ब्लॉक करके बैठे हैं वो लोग, और वो वहीं पे ही एक अपना राइट टू लिव जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वॉलेशन ऑफ आर्टिकल 19 1B का वॉलेशन माना जाएगा। मान लो ऐसे स्टेटमेंट आ गई पेपर के अंदर, तो क्या ये गलत होगी, नहीं ये गलत नहीं होगी, ये स्टेटमेंट ये सही होगी, क्यों, क्योंकि वो राइट टू लिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना राइट टू लिव आ गया इसके अंदर, मोर देन 50 पीपल हैं वो रोड को ब्लॉक करके भले ही बैठे हो लेकिन उन्होंने पीसफुल बैठा है, उसके अंदर इसके अंदर कोई वॉलेशन का नाम आ रहा है यहाँ पे, कोई वॉल्यूशन का नाम आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा ना, तो ये आप एग्जांपल ले सकते हो फार्मर्स बिल से। अगर यहाँ पे अगर आ जाता कि वो यहाँ पे आ जाता कि स्ट्रिक्टली रोड को ब्लॉक करके बैठे हैं, तो ये जो वर्ड जो है ना, ये जो आइडिया जो लग रहा है आपका स्ट्रिक्टली या फिर विदाउट कंसिडरिंग एनी एस्पेक्ट, तो ये चीज़ें जो है ना ये स्ट्रिक्टली हो गया या फिर अनरीजनेबली हो गया या फिर विदाउट कंसिडरिंग अदर अदर पीपल्स राइट, ये जो वर्ड जो छोटे छोटे जो वर्ड है ना इन पर ध्यान दो आप, इनसे आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। कुछ मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है, कुछ लोग एग्री करेंगे ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखोगे ना, तो ये जो है स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फ्रीडम आप असेंबल, ये राइट टू फ्रीडम, ये देखो फ्रीडम टू असेंबल का राइट देते हैं आप, सड़क के ऊपर पीसफुली बैठे हो आप ब्लॉक करके भले बैठे हो लेकिन आप पीसफुली बैठे हो, आप अपना राइट टू लिव जो है एक्सरसाइज कर रहे हो आप वहाँ पे, तो ये राइट जो है ये माना जाएगा इसके अंदर, ये है। देखो देखो अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो स्ट्रिक्टली रोड को ब्लॉक करके बैठे, यहाँ पे ये वर्ड आ जाता है स्ट्रिक्टली, तो क्या होता है यहाँ पे ये सेक्शन लग जाता 144 जो सेक्शन है CRPC के अंदर, जहाँ पे जो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ये क्या करेगा, ये क्या करता है सेक्शन 144 के अंदर क्या है, कर्फ्यू लगा देता है। कर्फ्यू का मतलब ये होता है कि वो सब लोग अपने घर जाएंगे, इसके अंदर भी ये जो सेक्शन 144 है ना इसके अंदर भी ग्राउंड बता रखे हैं, कौन से ग्राउंड बता रखे हैं, पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक पीस, पब्लिक ट्रैंक्वालिटी, ये वर्ड यूज़ किए हुए हैं इसके अंदर। पब्लिक ट्रैंक्वालिटी का मतलब क्या होता है, पीस, पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर एंड गवर्नेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे आप, ये वर्ड है इसके अंदर, पब्लिक ट्रैंक्वालिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, ये वर्ड है इसके अंदर। ये अगर ये चीज़ें अगर आप ये चीज़ें करोगे ना तो क्या है आर्टिकल 19 1B का वॉलेशन माना जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस केस में 144 भी लगा सकता है। इवन अगर 144 से भी अगर ये डिस्पर्स नहीं हो रहे, मतलब उस सिचुएशन से नहीं जा रहे, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक्ट कर सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर चल जाएगी यहाँ से, क्यों चल जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के अकॉर्डिंग क्या है वो स्टेट क्या है काम नहीं कर रहा है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है यहाँ पे आके या तो प्रेजिडेंट रूल लगाएगी या फिर वो क्या CRPF जवानों को क्या डिप्लॉय कर देगी, ये करेगी। तो ये सारी क्या चीज़ें क्या होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी। देखने वाले को तो लगेगा, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है उसको तो एक बार लगेगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत एक तरह से अथॉरिटेटिव नेचर में हो रही है, वो तो लोगों को रोक रही है, नहीं वो नहीं रोक रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है। दूसरा क्या है, ये फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है ये लोगों को राइट देता है, राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स एंड टेक आउट प्रोसेशन, है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि
अगर स्ट्रिक्ट वर्ड नहीं होता, यहाँ पे होता कि मोर देन 50 लोग जो है, 50 पीपल यहाँ पे रोड ब्लॉक करके बैठे और राइट टू लिव एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैंने क्यों बोला था ये सही होगा, वो इस वजह से बोला था, क्या था कि फ्रीडम असेंबली जो है वो लोगों को राइट देता है कि आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हो और टेक आउट प्रोसेशन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेशन आप लगा सकते हो, मतलब भीड़, प्रोसेशन का मतलब होता है कि भीड़। अब आप जो भीड़ क्या है इकट्ठा हो सकती है, और भीड़ क्या है एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकती है। अब उसको जाने में रोड का सहारा तो लेना पड़ेगा ना, आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो नहीं जा सकते, लेकिन आपको पब्लिक प्लेस पे तो जाना पड़ेगा। अब रोड क्या है, रोड तो पब्लिक है, तो अगर वो वहाँ पे आ रहे हैं ना, तो ये इसलिए सही होगी स्टेटमेंट। ठीक है, अभी आपने चीज़ें कैसे समझी, इनको थोड़ा डीपली आपने इन कंसेप्ट को क्लियर किया, फिर आपको चीज़ें समझ में आई। इसीलिए क्या है ये आर्टिकल क्या है, इसलिए सही माना जाएगा ये। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही थी। एक सेकेंड, तो ये मैं आपको ये इसलिए बता रही थी, फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर गिव्स पीपल राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग एंड टेक आउट प्रोसेशन ना, लेकिन आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर नहीं कर सकते आप। फिर दूसरा क्या इसके अंदर राइट है, जो गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन इफ सच मीटिंग और जो प्रोसेशन जो है वो डिस्टर्ब करता है रोड ट्रैफिक को और पीस को इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के अंदर। देखो अब ये वर्ड क्या बोलता है, राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आप नहीं कर सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आप नहीं कर सकते। पब्लिक मीटिंग जो है आप पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कर सकते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कर सकते हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं कर सकते। अब ये जो तीसरा जो है, अब ये फर्दर हम चीज़ों को क्या एक्सप्लेन करेगा, आप कैसे करेगा। जो गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शन, कैसे, अगर वो मीटिंग जो है और जो प्रोसेशन जो है वो कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब करता है रोड ट्रैफिक को और पीस को इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के अंदर। यहाँ पे वर्ड क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया वर्ड है यहाँ पे। जो जो फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे हैं, वो उस हाईवे पे कर रहे हैं। अगर आप उस प्रोटेस्ट को देखोगे ना, तो उन्होंने सिर्फ एक साइड की जो रोड है वो ब्लॉक की हुई है, दूसरी साइड से क्या व्हीकल आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे नहीं रोका है। उन्होंने एक साइड की जो है वो उन्होंने रोकी है, उन्होंने पूरे को नहीं रोका है उन्होंने। ये सही होगा, ये आर्टिकल 19(1)(b) का वॉलेशन नहीं होगा। मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया था कि अगर भाई वो डंडा लेके खड़े हो जाएंगे यहाँ पे पूरे में कि भाई हम तो आने 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 नहीं देंगे ना जाने देंगे, तब आर्टिकल 19(1)(b) का वॉलेशन होगा। वो अभी इसके रीजनेबल, ये जो आर्टिकल 19(1)(b) जो है ना, इसके एक एक होता है ना कि डोर स्टेप पे खड़े हैं वो, थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं वो। अगर वो थोड़ा सा इधर हुए तो वो वॉलेशन माना जाएगा, थोड़ा अगर अपनी लिमिट में है तो वो नहीं माना जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड एरिया वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉर्डर रोड एरिया है। देखो मान लो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में तो कितनी स्ट्रिक्ट एरिया होता है, मतलब चाइना का इन्वेजन होता रहता है, कितना स्ट्रिक्ट एरिया है वो। दूसरा जम्मू कश्मीर का है, वो LOC है। अब वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, वहाँ पे लाइनों में बैठेंगे, तो भाई वो गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही आएगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगी यहाँ पे रोल प्ले करने के लिए। चाहे वो जम्मू कश्मीर तो क्या है, वो यूनियन टेरेटरी, वहाँ पे तो आ ही सकती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है ना, वहाँ पे सीधा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही रोल प्ले करेगी, वहाँ पे फिर लोगों को वो हटाएगी, वो वहाँ पे आप ऐसे नहीं खड़ी कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी और इन सब चीज़ों का मामला आ जाता है। सॉवरेनिटी रीजनेबल कंडीशन है राइट टू असेंबली के अंदर, हमने अभी देखा था ये रहा। सॉवरेनिटी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है और पब्लिक ऑर्डर क्या है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तब आप इसको अफेक्ट करोगे। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया वर्ड इसलिए यूज किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया को समझना, इसलिए जो आर्टिकल 19 के जो ये जो क्लोजेज दिए हुए हैं ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है इनको समझना है ना। अब दूसरी चीज क्या देख सकते हैं हम आगे, इसके अंदर क्या बताई हुई है। अब सी के अंदर क्या है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो था ना, इसको बाद में क्या अमेंडमेंट करके लाया गया। ये एसोसिएशन यूनियन का मतलब क्या होता है कि जैसे IAS एसोसिएशन हो गया, या फिर ट्रेड यूनियन हो गया, लेबर्स की ट्रेड यूनियन हो गया, या फिर IPS फोर्सेज की जो यूनियन होती है वो। लेकिन क्या है, यहाँ पे पुलिस फोर्सेज जो है ना, यहाँ पे इसके अंदर उनको रिस्ट्रिक्शन राइट एक्ट, यहाँ पे उनको कंडीशन लगा रखी है, जो पुलिस पर्सनल जो है ना, वो ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन में डिफरेंस होता है, आप देखिएगा। एसोसिएशन क्या होता है, ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है, ट्रेड यूनियन क्या होती है, वो आपस में बनाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देखो, पॉलिटिकल एसोसिएशन तो बन ही सकती है, ये तो है। और ये देखो, फ्रीडम टू एसोसिएशन आप कर सकते हो, लेकिन स्टेट क्या इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन। कैसी रिस्ट्रिक्शन, इंटेग्रिटी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को लेके, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर को लेके, इन सब चीज़ों को लेके आ जाती है यहाँ पे।
सिक्योरिटी हो गया और पब्लिक ऑर्डर हो गया, ये जो थे ना वर्ड ये बाद में ऐड किए गए थे इसके अंदर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर ये था इसमें। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू स्ट्राइक जो है इज नॉट एब्सोल्यूट। अब ये दूसरा कंसेप्ट है जो आर्टिकल 19(1)(c) के अंदर हमने देखना है कि क्या है कि राइट टू स्ट्राइक जो है ना ये एब्सोल्यूट नहीं है। आप राइट टू स्ट्राइक कर सकते हो, जो ट्रेड यूनियन वाले जो होते हैं उनके पास राइट टू स्ट्राइक होता है, वो खड़े वो ना उनकी वेजेस नहीं बढ़ रही है या फिर उनका जो लिविंग कंडीशन है वो नहीं सुधर रही और वेजेस के कारण, तो क्या वो स्ट्राइक करने बैठ जाएंगे। लेकिन स्ट्राइक करोगे लेकिन आप क्या करोगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा उनके ऊपर भी। हाँ न्यूज़पेपर आर्टिकल 19(1) के अंदर ही आएगा, 1A के अंदर ही आएगा, उसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीडिया वाले जो है इसी के अंदर ही आएगा। आगे हम देखेंगे इस चीज़ को, मैं बताऊंगी आपको, मैं जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। फिर ये राइट टू स्ट्राइक जो होता है एब्सोल्यूट नहीं होता। कैसे? राइट टू स्ट्राइक जो है आप कर सकते हो, लेकिन क्या होता है राइट टू स्ट्राइक मतलब कितने भी समय तक हो सकता है, जिससे क्या एक इंडस्ट्री की क्या है जो उसका मेंटेनेंस प्लस जो उसकी वर्किंग जो कंडीशन जो है वो डिटोरेट हो सकती है। तो ऐसे में क्या है, एक लिमिट के बाद में आपको राइट टू स्ट्राइक खत्म करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर उनको राइट दिया हुआ है कि आप राइट टू स्ट्राइक कर सकते हो, लेकिन उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नो पर्सन हैज द राइट टू डिस्ट्रॉय अनदर प्रॉपर्टी इन द गाइज ऑफ बंद। आप ठीक है राइट टू स्ट्राइक कर सकते हो, लेकिन आप उसके अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। आप पब्लिक ऑर्डर को, पब्लिक पीस को, सॉवरेंटी इंटेग्रिटी को, जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो थी आप वो नीचे से नहीं करोगे, तब आप राइट टू स्ट्राइक कर सकते हो। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है। अब इंडस्ट्री का जो है वर्किंग और वर्किंग कंडीशन जो है और दूसरा मेंटेनेंस जो है उसका प्रॉफिट जो है और इंडस्ट्री की पूरी एग्जिस्टेंस जो है वो अगर खतरे में आ जाएगी ना, तो आपको राइट टू स्ट्राइक खत्म करना पड़ेगा। इस केस में क्या है, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है मीडिएटर का रोल प्ले करेगी यहाँ पे इंडस्ट्री और वर्कर्स के बीच में, अगर ऐसी सिचुएशन प्रिवेल करेगी। तो ये कुछ सिचुएशन जो होती है ये आपको देखनी पड़ेगी इसके अंदर। अब देखो सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो कंडक्ट रूल है ना, उसके अंदर जो सिविल गवर्नमेंट के जो सर्वेंट हैं वो डेमोस्ट्रेशन राइट टू स्ट्राइक नहीं कर सकते, है ना। पुलिस पर्सनल जो है वो ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते, और पहला था, और दूसरा सिविल सर्वेंट जो है ये लोग राइट टू स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, राइट टू स्ट्राइक, राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट इज अलाउड, ठीक है। मैंने अभी अपन ने डिस्कस किया था कि लिमिटेड फॉर्म में अलाउ होता है ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर ये अलाउ है, लेकिन क्या है, लिमिटेड फॉर्म में। कंडीशन भी अपन ने डिस्कस की थी, राइट टू फॉर्म कॉपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या है, इस आर्टिकल को लाया गया था। कॉपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्या होता है कि अगर जो लोग जो है अगर छोटे लेवल पे अगर छोटी छोटी लोकल प्रॉब्लम जो रीजनल प्रॉब्लम जो उनको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो गवर्नमेंट ने फिर इसके अंदर अमेंडमेंट किया और कॉपरेटिव सोसाइटी को वैलिड कर दिया कि आप कॉपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो इसके अंदर। फिर आता है डी के अंदर, राइट टू मूव फ्रीली, लेकिन इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या, आप कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर है एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन ये तीनों चीज़ें क्या है, एटमोस्ट है। इस पर क्वेश्चन बनेगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस सेक्शन के अंदर, ए से लेके जी तक, जिस सब क्लॉसेस के अंदर जो जो रिस्ट्रिक्शन दी हुई ना आपको वो याद रखनी पड़ेगी, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस जो है आप कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हो, लेकिन क्या रिस्ट्रिक्शन होती है यहाँ पे भी, कौन सा, यहाँ पे भी सेम रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे भी पब्लिक ऑर्डर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब हो गया, ये हो गया। मैंने आपको क्रिमिनल का एग्जाम्पल दिया था, क्रिमिनल जो है जेल से छूट के आता है, तो उसकी क्या है, विक्टिम की, ये क्रिमिनल क्या है, सोसाइटी में आने के बाद विक्टिम बन जाता है, तो इसकी क्या आइडेंटिटी क्या डिस्क्लोज कर देते हैं, क्योंकि लोग क्या फिर रहेंगे नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए। तो वो रेसिडेंस और फ्रीडम राइट टू मूव जो फ्रीली है, इसका राइट वॉलेट ना हो सजा काटने के बाद जब ये रिलीज होकर आ रहा है, तो इसके साथ दोबारा से ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ें इसलिए होती है। अब देखो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेड प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन आप कुछ भी कर सकते हो, सिटीजन्स को अलाउ है भैया, आप कोई भी ट्रेड प्रोफेशन ऑक्यूपेशन जो है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगेंगी, वो इमोरल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ये इलीगल, एनिमल ट्रैफिकिंग हो गया, इवन ये इलीगल होते हैं ना, इमोरल होते हैं इसी वजह से। ऑल्सो द लॉ डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉज रेफर टू, देखो जो स्टेट जो है, ये दूसरी कंडीशन इसके अंदर कि जो स्टेट जो है टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक कंडीशन लगा सकता है किसी भी ऑक्यूपेशन को बनाने के लिए। एग्जाम करवा देता है किसी भी, अगर गवर्नमेंट सर्विस लेना तो आपको एग्जाम करना पड़ेगा, है ना, जुडिशरी के अंदर जाना तो आपको एग्जाम करना पड़ेगा। ये क्या, ये कंडीशन है, आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी ना, इसलिए। आपको इंजीनियर बनना है तो आपको भाई इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये क्या था, ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन था, और गवर्नमेंट बोलेगा अगर साइंटिस्ट, जैसे इसरो के अंदर एम्प्लॉयमेंट अगर
क्या है ये एम्प्लॉयमेंट अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी को तो इसके अंदर कंडीशन लगा दें कि भाई उसके पास मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिस्ट के अंदर, और अगर आपको गवर्नमेंट के अंदर आना है तो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस उसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो कंडीशन लगा दी ना, तो ये स्टेट कर सकता है। ये क्यों करता है? ये करता है कि जो पब्लिक जो इंटेग्रिटी जो है और यूनिटी जो है वो मेंटेन हो सके, क्योंकि आप गवर्नमेंट के सर्विसेज के अंदर आ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना आपके अंदर, कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी काबिल जो काबिलता होती है वो भी तो होनी चाहिए ना आपके अंदर। द स्टेट में एक्सक्लूड कर सकता है वो कम्प्लीटली और पार्शली द सिटीजन और एंटिटी फ्रॉम कैरिंग एनी ट्रेड और बिजनेस और इंडस्ट्री और सर्विसेज। स्टेट ये भी एक्सक्लूड कर सकता है, टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लगा देगा, प्लस स्टेट ये एक्सक्लूड कर देगा कि पर्टिकुलर सिटीजन को आप ये ट्रेड और प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन जो है आप ये नहीं कैरी कर सकते, ये स्टेट खुद कैरी करेगा, स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन हो गया जहाँ पे स्टेट अगर इन्वॉल्व होती है। तो ये कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो रिस्ट्रिक्शन जो है आर्टिकल 19 के अंदर कितनी है। अबव जो राइट टू फ्रीडम है हैज़ बीन क्वालिफाइड बाय रिस्ट्रिक्शन, द कोर्ट जो है उनके पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकते हैं रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन टू स्ट्राइक डाउन इफ दे आर नॉट जस्टिफाइड। मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या बताया था आर्टिकल 19 के अंदर, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है आर्टिकल 19 के अंदर, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि इस आर्टिकल 19 के अंदर जो भी अमेंडमेंट हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब उसकी रीजनेबलनेस कौन चेक करेगा, वो कोर्ट चेक करेगा। सोशियोलॉजी ऑप्शनल, देखो इस सोशियोलॉजी तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, कोई आइडिया नहीं है सोशियोलॉजी के बारे में। अगर आप इसके बारे में देख रहे हो, यूपीएससी के बारे में देख रहे हो ना, तो या तो आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है अगर आप ये लोगे ना तो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी टॉपिक है ना वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीएस 1, 2 और 3 तीनों से रिलेटेड है। आपका ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा और ये जीएस के ये भी तैयार हो जाएंगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ अच्छे से। और बाकी अगर किसको इच्छा है तो वो लॉ भी ले सकता है, लॉ का सिलेबस भी लिमिटेड है वैसे, इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है, ये भी बहुत इजी है, लॉ भी ऑप्शनल है। अब देखो मैंने आपको पहला बताया था कि जो रीजनेबल है वो कौन चेक करेगा, कोर्ट करेगा। और दूसरा क्या है इसके अंदर कि प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी के टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है कि जब एमरजेंसी लगती है ना तो आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, मतलब इसको आप किसी भी तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो आर्टिकल 19। और ये जो एक्सप्रेशन जो है ना, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस मे बी इम्पोज विदाउट एनी रिस्ट्रेंट, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर भी लग सकता ही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 1 के अंदर आता है ना, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल जब 19 जब सस्पेंड होता है आर्टिकल 358 के अंदर जब लिखा हुआ, नेशनल इमरजेंसी जब हम प्रोविजन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये 358 का प्रोविजन उसके अंदर बता रखा है नेशनल इमरजेंसी जैसे लगेगी आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, मतलब इसको आप कैसे भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, और रेगुलेटिंग द प्रेस एरा, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो और रिसेंटली जो गवर्नमेंट जो थी इन्होंने पुट ऑनलाइन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स पोर्टल्स अलोंग विद फिल्म्स ऑडियो एंड विजुअल प्रोग्राम्स मेड अवेलेबल टू ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑनलाइन न्यूज़ और जो करंट अफेयर्स पोर्टल जो है इनके साथ क्या किया, करंट अफेयर्स पोर्टल और या फिर कोई फिल्म हो गई या फिर कोई ऑडियो विजुअल प्रोग्राम जो हो गया ना, इनको क्या किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर डाल दिया ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर के फॉर्म पे, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर के फॉर्म पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इस पे क्या कंटेंशन रेज हो रही है, ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, इनके अंदर तो अलग से राइट है ना, लेकिन ये कंटेंशन ही क्यों आया अब देखते हैं। ये जो मूव था ना गवर्नमेंट का क्लबिंग ओनली सेक्टर ऑफ द मीडिया विच हैज़ प्री सेंसरशिप, नेमली फिल्म्स हो गए, न्यूज़ मीडिया हो गया, विच हैज़ सो फार एटलीस्ट ऑफिशियली नॉट बीन सब्जेक्टेड टू प्री सेंसरशिप। इसलिए प्री सेंसरशिप क्या होता है, आप कुछ भी सेंसर करने से पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को बताना पड़ेगा कि आप ये सेंसर कर रहे हो, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग क्या अप्रूव करेगी कि आप सेंसर कर सकते हो नहीं सेंसर कर सकते, ये होता है प्री सेंसरशिप। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला ये जितने भी ऑनलाइन न्यूज़ जो है या करंट अफेयर्स पोर्टल हो गया, फिर ऑडियो विजुअल जो प्रोग्राम जो होते हैं जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर, ये ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर के फॉर्म पे आएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को आप दोगे। आप इनको क्यों दोगे, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ये जो नेटफ्लिक्स पे जो चीज़ें आती है ना और अमेजोन प्राइम पे जो आती है इनको ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलते हैं,
डिज्नी, ये जो डिज्नी इंडिया हो गया, ये क्या थे, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अब इनके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनको कंट्रोल करने की, तो इसको क्या है ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के तहत, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के मतलब लाके ऑनलाइन न्यूज़, करंट अफेयर्स पोर्टल और फिल्म्स और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, ये ओटीटी क्या है, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के अंदर लाके इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर प्री सेंसरशिप के अंदर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अब क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों ने क्या अपनी लिमिट क्रॉस कर दी कुछ प्रोग्राम्स को दिखाने के लिए, इसलिए इनके ऊपर क्या है ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं। आर्टिकल 19(1) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर राइट टू मीडिया, राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस इट्स वन ओपिनियन आता है, इसके अंदर राइट टू मीडिया का भी आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो कुछ भी ऐसे फालतू के कंटेंट दिखाएंगे जो कि एक सोसाइटी के वैल्यूज़ को, मॉरल को डिग्रेड करते हैं, और स्पेशली ये ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले या फिर ऑनलाइन न्यूज़ वाले, ऑनलाइन न्यूज़ वाले, ये जो ऑनलाइन न्यूज़ जो था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, इन्होंने क्या किया, ये जो ऑनलाइन न्यूज़ था, एक एक्टर की डेथ होती है, उसका केस चल रहा है, उसकी बॉडी क्या सर्कुलेट करने लग जाते हैं ऑनलाइन न्यूज़ वाले, सर्कुलेट करने लग जाते हैं, क्या ये सही था, बिल्कुल भी गलत था, ये बहुत गलत था। इसीलिए इन सब चीज़ों को क्या है, ये ऑनलाइन न्यूज़ जितनी भी आएगी या करंट अफेयर जितने भी चल रहे हैं ऑनलाइन, इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास में आपको सबमिट करवाना पड़ेगा, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग क्या अप्रूव करेगी, इसलिए करेगी। ये जो मूव जो था ना हाईजैक करने का मैटर को बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम एक्सप्रेशन, आर्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव को विद कंट्रोल ओवर द फ्री प्रेस, दे बाय असेंशली मेकिंग इट अनफ्री। क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये बेसिकली अनफ्री कर रहा है, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर वॉल्यूशन हो रहा है इसका, नहीं हो रहा लेकिन वॉल्यूशन, ये हाईजैक करता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को भी एज एज की, क्योंकि इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल ओवरसाइट नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनको ऐसे बोल के, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है, ये अनफ्री, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल जो है, इन्होंने क्या है बेसिकली, इन्होंने अपनी लिमिट को ही क्रॉस कर दिया। कुछ चैनल आप देखोगे ना तो उसके अंदर तो वो गवर्नमेंट को ही वो बोल रहे हैं तू करके बात कर रहे हैं, या फिर उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, तू आएगा ऐसे करेगा, ये वर्ड नहीं कर सकते आप। एक आपको स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अगर लोगों ने उस गवर्नमेंट को चूज़ किया है तो आपको रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, इसलिए किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इन सब चीज़ों को। ये जो मूव जो है एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है न्यू एज डिजिटल मीडिया के बीच में एंड मीडिया ऑफ फ्यूचर के बीच में, द मीडिया ऑफ मिलेनियल जनरेशन एंड द ओल्डर प्रिंट टीवी न्यूज़ के बीच में। ये सही है, बिल्कुल करता है डिस्टिंक्शन और करना भी चाहिए था। पहले वाले न्यूज़ चैनल आप देखोगे वो ऐसे करते थे, जो अब आप देखोगे, मैं किसी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपने देखा है जो जो चीज़ें जो जो न्यूज़ चैनल वाले जो करते हैं। रीज़न गिवन बाय द गवर्नमेंट क्या है, इन्होंने बोला कि जो प्रिंट मीडिया जो है, इनकी प्रिंट मीडिया के ऊपर ओवरसाइट है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, टीवी मीडिया के ऊपर है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का। तो प्रिंट के ऊपर किसका है, प्रेस मीडिया का है, और टीवी के ऊपर कौन सा है, ब्रॉडकास्टर्स का है, ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन। देखो जो डिजिटल मीडिया जो है इसको भी रेगुलेशन करने की ज़रूरत थी, इनके ऊपर तो कोई था ही नहीं रेगुलेशन, इसीलिए इनको क्या था ये एक सेकेंड, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के अंदर, तो इसीलिए इनको ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर को क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टर जो है इनको देखेगी साफ साफ। सब पे रेगुलेशन है लेकिन ऑनलाइन पे नहीं था ना, तो इसीलिए ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर हो गए या फिर ऑडियो विजुअल प्रोग्राम जो हो गए ना, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म स्पेशली, ये ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर के नाम पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को प्री सेंसरशिप ये करेगा, इसलिए करेगा। एंड देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन एज ए प्रोफेशनल बॉडी ऑन दी वन हैंड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑन दी अदर। इन्होंने बोला कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है और ये जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन जो है, इनमें और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये सभी क्यों नहीं है डिफरेंस, क्योंकि क्या काम कर रहे हैं, रेगुलेट का काम कर रहे हैं, रेगुलेशन का काम कर रहे हैं, है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का काम कर रहे हैं ये, इसीलिए। द फेट ऑफ डिजिटल मीडिया जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग लीव्स लिटिल स्कोप फॉर होप। ये क्यों बोला गया यहाँ पे, क्योंकि फिर क्या है, गवर्नमेंट क्या है इसको मिसयूज़ भी कर सकती है अपने फेवर के लिए, इसलिए ये चीज़ें बोली गई हैं। लेकिन क्या है, मैं देखो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरा ये ओपिनियन है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इन पर रेगुलेशन करना ज़रूरी था, क्योंकि इन्होंने क्या है बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सीड कर चुके अपनी लिमिट को क्रॉस करने की, जो एक सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत एक्सीड हो चुका है यहाँ पे, तो इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म को तो कंट्रोल करना ही था। तो बस आज यही था सब चीज़ें, और बाकी आप इस चीज़ को, ये जो ओवर द टॉप हमने देखा है ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर जो है, आप इसको ना थोड़ा और सर्च करो और आप खुद इस चीज़ को देखो
कि क्या इनको कंट्रोल करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था इनके बेसिकली। और ये जो गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ला के, प्री सेंसरशिप के अंदर ला के इनका क्या सही किया है, ये चीज़ें आप देखो आप। और देखो एक डिजीज़, मिस्टीरियस डिजीज़ है जिसका नाम अभी नहीं पता है, वो एलुरु डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पर प्रिवेल कर रही है। ये न्यूज़ होगी अभी 12 बजे, अभी 1 घंटे बाद में ये न्यूज़ जो है वह मैं बताऊँगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, हेल्थ इशू जो होते हैं ना उसके अंदर आती है ये। तो ये आपको एक तो प्री में भी काम आएगी और दूसरा आपको जो मेन आंसर राइटिंग में उसमें भी काम आएगी। तो 12 बजे अभी इसका लेक्चर होगा, तो प्लीज़ आप देखो, 10-15 मिनट का लेक्चर होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है, तो आप उसको 10-15 मिनट में आप सारी चीज़ें क्या समझ सकते हो। एलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर ये चीज़ डिजीज़ क्या प्रिवेल कर रही है, तो हम देखेंगे कि मिस्टीरियस डिजीज़ है क्या। ऑलराइट, सो थैंक यू ऑल।